आपने अपने घर में कई उपकरण देखे होंगे, जैसे कि पंखा, कूलर या पानी उठाने वाला पंप। क्या कभी सोचा है कि ये उपकरण कैसे चलते हैं? हमने पिछले पाठ में जाना था कि किस तरह विद्युत बल्ब को उज्जवल करती है, लेकिन यही विद्युत जब पंखे और कूलर में गमन करती है तो ऐसा क्या होता है कि पंखा गोल गोल घूमने लगता है? हमने अक्सर सुना होगा कि पंखे के अंदर एक मोटर होती है जो इसे घूमने में मदद करती है। अब सवाल उठता है कि इस मोटर में क्या होता है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक उपकरण जिसे विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है के बारे में जानेंगे और साथ ही उसके कार्य करने के पीछे के नियम को भी करीब से समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत मोटर सिर्फ विद्युत धारा के गमन करने से नहीं बल्कि विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र में गमन करने के कारण घूमती है। यदि इस मोटर को खोल कर देखे तो हमें बहुत सारे तार और चुंबक मिलेंगे। आसान भाषा में देखें तो एक आयताकार चालक ABCD को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और चालक के दो छोरों को विद्युत के स्रोत से जोड़ा जाता है। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तब चालक में विद्युत धारा गमन करने लगता है। चालक ABCD के AB भुजा पर फ्लेमिंग वामहस्त नियम या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो हमें बल की दिशा मिल जाएगी। हम जानते हैं कि क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, साथ ही AB भुजा पर विद्युत धारा की दिशा इस ओर है, तब बल नीचे की ओर लगेगा। यदि यही नियम CD भुजा पर लगाए तब क्या होगा? CD भुजा पर विद्युत धारा की दिशा इस ओर मतलब बाहर की ओर है, इसलिए इस भुजा पर बल ऊपर की ओर लगेगा। इसे मोशन में देखा जाए तो बल लगने के कारण चालक घूमने लगेगा। अब सवाल ये है कि आधे चक्कर के बाद AB और CD भुजा अपनी जगह बदल लेगी और विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाएगी, जिस कारण अब चालक दूसरी दिशा में घूमेगा और अपने पहले स्थान पर वापस आ जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? आपने कभी देखा है कि पंखा या कूलर थोड़ी देर एक दिशा में घूमता है और फिर दिशा बदल लेता है? नहीं, वे एक ही दिशा में घूमते रहते हैं। फिर मोटर में ऐसी क्या चीज लगाई जाती है जिस कारण ये दिशा बार बार बदली नहीं जाती? इस प्रक्रिया को करने के लिए मोटर सर्किट में विद्युत वलय या जिन्हें इंग्लिश में स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, जो कार्बन के ब्रश के माध्यम से जुड़ी होती है। स्प्लिट रिंग एक खास किस्म की रिंग होती है जिसके दो भाग होते हैं और वे सर्किट में गोल गोल घूमती रहती है। चालक के छोर से स्प्लिट रिंग जुड़े होते हैं और ये स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रश के माध्यम से सर्किट से, जो कि सर्किट में विद्युत धारा की दिशा को एक ही ओर बनाए रखने में मदद करती है। तो विद्युत धारा सर्किट में हमेशा एक ही दिशा में चलता रहेगा। साथ ही AB और CD भुजा पर भी लगने वाला बल अपनी दिशा बदलकर मोटर को एक ही ओर घुमाता रहेगा। चलिए एक बार फिर इसे देखते हैं। विद्युत धारा चालक पर आया और AB भुजा पर नीचे की ओर और CD भुजा पर ऊपर की ओर बल लगने लगा। आधी रोटेशन के बाद CD भुजा पर नीचे की ओर बल लगा और AB भुजा पर ऊपर की ओर, और ये चक्र बार बार चलता रहा। आम तौर पर बड़े स्तर पर काम आने वाली मोटर में चुंबक की जगह विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ये विद्युत चुंबक नरम लोहे के ऊपर तार को लपेटने से बनती है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। विद्युत मोटर का उपयोग पंखों, पंप, कूलर, ग्राइंडर, चक्की और बड़े बड़े औद्योगिक स्थानों में होता है। याद है हमने पहले भी कहा था कि फ्लेमिंग का नियम कितना अहम है, और आज इस वीडियो में हमने जान भी लिया। आशा है कि आपको मोटर के चलने के पीछे के छिपे राज आज समझ आ गए होंगे। यदि नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को दोबारा देखिए, मोटर और उसका कार्य आसान लगने लगेगा।